हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द मेटल कार्बोनाइल्स। देखिए, इसकी जरूरत हमको इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगले जो कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं वो अब हमारे लिए ऑर्गेनिक से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, और ऑर्गेनिक से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को हमको सॉल्व करना होता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। बहुत सारी रिएक्शंस आ सकती है हमको, और उनमें हमको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को अप्लाई करके, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए, आज हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन मेटल कार्बोनाइल्स सीखने वाले हैं। दो यहाँ पर मैकेनिज्म्स होती है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म एंड एसोसिएटिव मैकेनिज्म, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले हमने मेटल कार्बोनाइल्स उसके टाइप्स, उसके बॉन्डिंग को डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम शुरू करते हैं। देखिए, मेटल कार्बोनाइल्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती है वो दो मैकेनिज्म से होती है हमारे पास। एक का नाम है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और दूसरे का नाम है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। क्लियर? दो हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव मैकेनिज्म। चलिए, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, दिस मैकेनिज्म इज गिवन बाय द कॉम्प्लेक्सेस, द मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस विच फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म ऐसे मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा ही मिलता है, उनके ही केस में हमको देखने को मिलता है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हो। क्लियर है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, ये कंपल्सन है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डेमो लिया हुआ है। ये देखिए, ये कोई मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, ये सारे लिगेंड्स हैं, कार्बोनाइल भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। एक कार्बोनाइल लिगेंड को मैंने अलग करके बताया, इस कार्बोनाइल लिगेंड को हमको सब्स्टिट्यूट करना है, किसी दूसरे लिगेंड से हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए, जब डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है तो जो फर्स्ट स्टेप होती है वो डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनाइल होती है। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में सबसे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनाइल टेक प्लेस, और ये स्टेप जो होती है स्लो स्टेप होती है, मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, ओनली मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी। मीन्स ये SN1 टाइप की रिएक्शन है हमारे लिए। किस टाइप की रिएक्शन है? SN1 टाइप की रिएक्शन। और ये कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगी? दिस विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ओनली। चलिए, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पर आते हैं हम। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, जब ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स से एक कार्बोनाइल अलग हो जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, बिकॉज द कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड एंड इट कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन से ये 16 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब 16 इलेक्ट्रॉन के जो स्पीसीज है वो किसी 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज से रिएक्शन करेगा, कोई भी एक लिगेंड हो सकता है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, उससे रिएक्शन करेगा जो कि फास्ट रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट भी 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही होगी। इसका मतलब क्या है कि जब डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है तो रिएक्टेंट भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और प्रोडक्ट भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। क्लियर है? ये था डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। आगे एग्जांपल्स में हम समझेंगे कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और एसोसिएटिव मैकेनिज्म को हमको आइडेंटिफाई करना होता है, तब जाकर के हम करेक्ट प्रोडक्ट को मार्क कर पाएंगे। चलिए, एसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात यदि हम करें तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म जो होती है वो जनरली 16 इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज से मिलती है, या इस 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो भी होती है वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, मींस एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। अब 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती है जो स्टेबल होती है, मींस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जितने भी होंगे वो सब 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होती है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते, वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। मींस जब कॉम्प्लेक्स में 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, ये सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ही होता है, जबकि बाकी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दे फॉलो
18 इलेक्ट्रॉन रोल। एसोसिएटिव मैकेनिज्म जो होती है उसमें पहले एसोसिएशन ऑफ द लिगेंड होगा, अदर लिगेंड, जो भी मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स हमको मिला हुआ है उस कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स से सबसे पहले इस अदर लिगेंड का एसोसिएशन होगा, और ये स्लो स्टेप होगी हमारे लिए, मीन्स ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यदि है ये, तो ये लिगेंड की कंसंट्रेशन, जो अदर बाइंडिंग लिगेंड है उसकी कंसंट्रेशन, और सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन मीन्स मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टू मॉलिक्यूल्स। दूसरी स्टेप फास्ट स्टेप होगी, जिसमें डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनाइल होगा, यहां से कार्बोनाइल रिमूव हो जाएगा, और कार्बोनाइल रिमूव होकर के अलग हो जाएगा, और जो स्पीसीज मिलेगी वो वापस 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएगी। मेन 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही हमको मिलने वाला है। तो ये तो दोनों मैकेनिज्म्स हुई कि आखिर में डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कैसे हो रही है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, SN1 और SN2 टाइप की ही मैकेनिज्म है हमारे लिए। ये SN2 टाइप के मैकेनिज्म हो जाएगी जो हम जनरली पढ़ चुके हैं पहले ही। नोट एक यहां पर मैंने लिखा है, नोट क्या है कि जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म इज हायर, रेट ऑफ एसोसिएटिव मैकेनिज्म इज हायर देन डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म की रेट है, जब जनरली एसोसिएटिव मैकेनिज्म्स बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, लेकिन इनकी रेट ज़्यादा होती है। तो एसोसिएटिव, ये बात ध्यान रखने के लिए है हमारे लिए, ये हमारे लिए नोट है कि हम जब हमको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आएंगे तो हो सकता है कि वो एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव में भी हमको कंपेयर करने के लिए कह दे और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए कह दे। चलिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में मैंने दो कॉम्प्लेक्सेस बनाए, दोनों कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग हैं, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। पहले वाले कॉम्प्लेक्स में ये जो पाइप कार्बन की रिंग है इसके अंदर एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है इनके अंदर दोनों ही रिंग्स के अंदर एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है। ये डिलोकलाइजेशन यहां पर हो रहा है और मेटल इसी 5 कार्बन वाली रिंग से बाउंड है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स से बाउंड होगा PR3, मीन्स ये जो लिगेंड अदर हमको लिगेंड मिला हुआ है इस कॉम्प्लेक्स से बाइंड होगा PR3। दूसरा भी कॉम्प्लेक्स ऐसा कैसा ही मिला हुआ है PR3, इससे भी बाइंड होगा। हमको यहां पर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैकेनिज्म अप्लाई होगी दोनों कॉम्प्लेक्सेस पर, क्या डिसोसिएटिव मैकेनिज्म दोनों पर अप्लाई होगी, क्या एसोसिएटिव मैकेनिज्म दोनों पर अप्लाई होगी, या फिर किसी एक पर डिसोसिएटिव होगी किसी एक पर एसोसिएटिव होगी, ये हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग मीन्स ये यहां पर अभी इसका हैप्टिसिटी क्या है, ईटा 5 है, इसका हैप्टिसिटी क्या है, ईटा 5। ये हम मान के चले कि ये एक 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, हम ऐसा मान चलते हैं। अब जब ये रिएक्शन होगी तो मान लीजिए कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो रही है इसमें, कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी, तो एक कार्बोनाइल यहां से निकल जाएगा और PR3 यहां पर बाइंड हो जाएगा मेटल से डायरेक्ट। ये जब कार्बोनाइल यहां से फर्स्ट स्टेप में रिमूव होगा तब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये मान लीजिए 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहां पर इसकी हैप्टिसिटी में कोई चेंज नहीं आया, इस लिगेंड की हैप्टिसिटी में कोई चेंज नहीं आया, किसके कारण, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के कारण। अब देखिए मैं इस पर ही एसोसिएटिव मैकेनिज्म अप्लाई करके देखता हूं। एसोसिएटिव मैकेनिज्म जब अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, यहां पर जब एसोसिएटिव मैकेनिज्म यहां पर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले PR3 यहां पर बाउंड होगा। अब बाउंड होने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करना है हमको, या 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमको डिस्टर्ब करना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन बाय PR3 लिगेंड, जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे उसके लिए यहां पर हैप्टिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या डिस्टर्ब होगी, ये ईटा 5 से ईटा 3 में चला जाएगा। जब ये ईटा 3 में जाएगा तो ये ऐसे बाउंड हो जाएगा, जबकि दूसरे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर के वो दूसरी वाली रिंग में यूज होने लग जाएंगे, मीन्स इसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसके अंदर एरोमेटिसिटी आ जाएगी जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मीन्स ये फेवरेबल कंडीशन है ईटा 5 से ईटा 3 की तरफ, क्योंकि 5 कार्बन की रिंग स्टेबल थी, उससे ज़्यादा अच्छा कि 6 कार्बन की रिंग स्टेबल हो जाए, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई एसोसिएटिव मैकेनिज्म के
कारण, तो इसमें क्या होगी, एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी। जबकि यहां पर दूसरे केस में देखिए, अब यहां पर कौन सी मैकेनिज्म होगी वह हम अप्लाई करके देखते हैं। अब देखिए, जब एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी तो एसोसिएटिव मैकेनिज्म में तो दोनों ही रिंग में एरोमेटिसिटी पहले से ही प्रेजेंट है, कोई स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए एसोसिएटिव मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। यहां पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, पहले डिसोसिएटिव, पहले ये जो कार्बोनाइल लिगेंड है वो जाएगा, दूसरी स्टेप में फिर PR3 यहां पर इस मेटल से बाउंड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव मैकेनिज्म और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को पहचानने का एक तरीका। हम स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं। दूसरे एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा अलग यहां पर बनाया हुआ है एग्जांपल, एक कोई कॉम्प्लेक्स है, ये सैंडविच टाइप का कॉम्प्लेक्स हमको यहां पर मिला हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या है, दो कार्बोनाइल लगे हुए हैं, टू कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि ये एक रिंग है, इस रिंग में सिर्फ एक ही कार्बन बाउंड है। इसका मतलब क्या है, टू इलेक्ट्रॉन्स इसके, टू इलेक्ट्रॉन्स इसके और वन इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड का, मीन्स ये फाइव इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, फाइव इलेक्ट्रॉन्स इसके और एट इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन के, मीन्स ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। क्लियर है, अभी फॉलो करता है, लेकिन जब थर्मल और फोटोकेमिकल इंप्रेशन हम इसको देंगे तब जाकर के ये प्रोडक्ट बनाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा कि यहां से ही दोनों कार्बोनाइल लीव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब दोनों कार्बोनाइल निकल जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टर्बेंस आएगा, फोर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टर्बेंस आएगा। अब देखिए ये फोर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टर्बेंस, यदि ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग बन जाएगी, जब ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग बन जाएगी मतलब सीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये फाइव इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेगी, फाइव ए, फाइव ए और एट आयरन के, मीन्स ये फिर से 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो स्टेबिलिटी यहाँ इस कंडीशन में बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है एक सैंडविच स्ट्रक्चर या फेरोसिन का फॉर्मेशन कर लेगा, किसका फॉर्मेशन कर लेगा, फेरोसिन का, और दो कार्बोनाइल यहां से आउट हो जाएंगे। क्लियर है, ये है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म एंड एसोसिएटिव मैकेनिज्म इन मेटल कार्बोनाइल्स। अब हम इसके बाद स्टडी करने वाले हैं मेटल कार्बोनाइलेट्स, जहां पर हमको एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म्स का यूज है, कैसे हम वहां पर यूज करेंगे, इसको देखते रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।